हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। टुडे वी स्टडी अबाउट मैथ्स एक्सरसाइज 1.2। दिस इज एक्सरसाइज 1.2 एंड द क्वेश्चन फर्स्ट इज सॉल्व द फॉलोइंग। पार्ट ए 3/5 + 8/6। क्वेश्चन फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें रेशनल नंबर दिया गया है। इन दोनों रेशनल नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने से पहले यहाँ पे देखिए, मैंने रेड कलर से सर्कल किया हुआ है। इसमें मैंने फोर्स बेसिक रूल लिखे हैं। रूल्स किसके दिए गए हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के। फर्स्ट रूल है प्लस इनटू प्लस। जब दो नंबर प्लस और प्लस के दिए गए हों तो उन दोनों नंबर का क्या होगा, प्लस ही होगा, यानी प्लस प्लस इक्वल टू प्लस ही बनता है। सेकंड है माइनस इनटू माइनस। जो सेकंड वाला ये वाला है माइनस माइनस, तो माइनस माइनस भी क्या बनाता है, प्लस बनाता है। यानी जब दोनों साइन सेम दिए गए हों, जैसे यहाँ भी प्लस प्लस दिया गया था और यहाँ माइनस माइनस, तो दोनों साइन कैसे हैं, सेम हैं। तो जब साइन सेम होते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सॉल्यूशन उसका पॉजिटिव ही होता है। इसके बाद थर्ड वाला दिया गया प्लस माइनस, यानी एक नंबर प्लस का हो और एक नंबर माइनस का हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, माइनस होता है। फोर्थ वाला दिया गया माइनस प्लस, माइनस इनटू प्लस, तो माइनस और प्लस मिलके क्या बनता है, माइनस होता है वहाँ पे। यानी जब पहला नंबर माइनस का हो और सेकंड नंबर प्लस का हो, तो माइनस और प्लस मीन्स ये हो जाता है कि वहाँ पे उन दोनों का सबट्रैक्ट करना है। यहाँ पे मैंने एस और यहाँ पे डी लिखा हुआ है। तो एस का मतलब है सेम नंबर और डी का मतलब है डिफरेंट नंबर। सेम डिफरेंट, यानी जब सेम साइन के नंबर होंगे तो वहाँ पे पॉजिटिव क्या होगा, साइन आ जाएगा। और जब डिफरेंट साइन के नंबर होंगे, डिफरेंट मीन्स प्लस माइनस माइनस प्लस, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे नेगेटिव, यानी वहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा वहाँ पे। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन फर्स्ट जो जैसा कि दिया गया था, सॉल्व द फॉलोइंग, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए, आप इसको ऐड करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे जो डेनोमेटर दिया गया इसका 5 और 6 दिया गया, जो कि कैसा है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो इसको हमें इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 और 6 का देखिए, मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया है। 5 और 6 का एलसीएम कितना आया, ये यहाँ पे मैंने 5 6 का एलसीएम लिया है। तो एलसीएम निकल के आया कितना, एलसीएम ऑफ 5 और 6 इज 30। तो एलसीएम 30 निकल के आया। इसके बाद देखिए, जो पहला नंबर लिखा था 3/5, तो जो 5 डेनोमेटर लिखा है, मैंने 5 चेक किया कि 5 की जो टेबल है उसमें जो एलसीएम आया 30, वो कितने टाइम्स आता है। तो 5 की टेबल में एलसीएम 6 बार में आ जाता है, यानी 30 6 बार में आता है। इसलिए इसका मीन्स ये हो जाता है कि 6 का उसमें ऊपर और नीचे दोनों नंबर में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। यानी यहाँ देखिए, मैंने 6 6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, यानी जितने बार में आता है एलसीएम में वो नंबर, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, उसी का ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 3 6 = 18 आ गया सामने, और 5 6 = क्या आ गया, 30 आ गया। इसके बाद सेकंड नंबर दिया गया था 8/6, तो इसका भी डेनोमेटर क्या है, इसका डेनोमेटर 6 है। तो अब 6 में से चेक करेंगे एलसीएम कितने बार में आता है, तो 6 की टेबल में जो 30 है कितने टाइम्स आता है, 6 की टेबल में 5 टाइम्स आता है। इसलिए देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में 5 और 5 का मल्टीप्लाई किया है, 8 में भी और 6 में भी। तो 8 5 = सामने 40 आ गया और 6 5 = 30 आ गया। तो दोनों नंबर निकल के क्या आए हैं, 18/30 एंड 40/30। यानी दो नंबर जो निकल के आए हैं वो आए हैं क्या, 80/30 प्लस 40/30। अब देखिए, इसमें नीचे जो डेनोमेटर कैसा हो गया, इक्वल हो गया है, तो अब आप इसको प्लस कर सकते हैं। तो 80 में डायरेक्ट 40 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 80 में जब 40 प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपका 58/30।
तो देखिए 58/30 ये कैंसिल हो रहा था, यानी इसमें आप जानते हैं अगर कैंसिल होते हैं तो हम इसमें कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल कैसे होने चाहिए, एक ही टेबल से दोनों नंबर कैंसिल होने चाहिए। तो देखिए 2 टाइम जो टेबल थी 2 की टेबल से ये दोनों कैंसिल हो रहे थे, 2 से 58 29 बार में कैंसिल हो गया और 2 से 13 15 बार में है, यानी 15 2 जा 30 होता है और 29 2 जा 58 होता है। तो मेन आंसर क्या निकल के आया, 29/15, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका ई वाला पार्ट देखते हैं, माइनस वाला क्वेश्चन दिया गया था इसमें। यहाँ देखिए ई वाला पार्ट, फर्स्ट का ई वाला, -11/10 माइनस ब्रैकेट के अंदर दिया गया -19/15। तो देखिए इसमें भी डेनोमेटर कैसा दिया, अनइक्वल दिया, यानी इक्वल नहीं है। तो मैंने बताया था पहले क्या करेंगे, आप दोनों को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए फर्स्टली क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पे मैंने इसका एलसीएम लिया है 10 का और 15 का, तो एलसीएम क्या आया, एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 इज 30। इसका भी एलसीएम कितना आया, 30 आया। अब जैसा कि मैंने बताया था कि डेनोमेटर जो पहला नंबर लिखा -11/10 और इसमें डेनोमिनेटर क्या दिया गया है, डेनोमिनेटर दिया गया है 10। तो डेनोमिनेटर यानी जो 10 दिया गया है उसमें आप 10 में चेक करेंगे एलसीएम कितने टाइम्स आता है, तो 10 की टेबल में एलसीएम जो 30 है 3 बार में आता है। इसका मीन्स है कि ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर में 3-3 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ देखिए मैंने 3-3 का मल्टीप्लाई किया है, तो 11-3 जा होता है 33, तो यहाँ पे आ गया 33, और 10-3 जा होता है 30। इसके बाद 11 में माइनस लगा हुआ था इसलिए 33 के पहले भी क्या आ गया, माइनस आ गया, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि 3 जो लिखा है 3 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव को लगा के बताया नहीं जाता है, यानी जो कोई भी नंबर हो अगर उसके आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ है तो पॉजिटिव नंबर होता है। तो 11 था माइनस का और 3 था प्लस का, तो माइनस प्लस क्या होता है, 4 वाला रूल देखिए, माइनस प्लस होता है माइनस, इसलिए 33 माइनस का आ गया। इसके बाद सेकंड नंबर था -19/15, अब इसका डिनोमिनेटर क्या है, 15 की टेबल में एलसीएम जो 30 है कितने बार में आता है, 2 बार में, 15 2 जा 30, यानी इसका मीन्स 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में एंड डेनोमेटर में, यानी ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 2 का मैंने मल्टीप्लाई किया तो 19 2 जा सामने क्या आ जाएगा, 38, और 15 2 जा 30, 38 में भी क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि 19 किसका है, माइनस का नंबर है। इसके बाद देखिए दोनों नंबर निकल के क्या आए हैं, जो दोनों नंबर आपके निकल के आए हैं 33 माइनस का अपॉन 30 और माइनस का 38/30। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों नंबर राइट किए हैं, माइनस का 33/30 और पहले से माइनस बीच में दिया गया था मिडिल में माइनस, और उसके बाद सेकंड नंबर आया -38/30। अब इसमें आप देख सकते हैं कि माइनस का 33 और उसके बाद मिडिल में माइनस दिया गया है और उसके बाद एक और माइनस दिया माइनस का 38। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों माइनस जो है बीच में, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस अभी मैंने आपको बताया है माइनस माइनस प्लस होता है। तो इसका मीन्स ये है कि बीच में कौन सा साइन आना है, बिटवीन में, बिटवीन में प्लस का साइन आना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे कौन सा साइन आ गया, बिटवीन में प्लस आ गया, यानी ये माइनस माइनस मिलके प्लस बना दिए, और माइनस का पहले से क्या था, 33, तो यहाँ पे देखिए माइनस का 33 लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे भी दो साइन फिर से आ गए हैं, यानी यहाँ आप देख सकते हैं माइनस आ गया है और प्लस आ गया है। तो अभी मैंने बताया था माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, यानी दोनों नंबर का क्या होना है, माइनस होना है, सबट्रैक्ट होना है। तो 38 में से 33 सबट्रैक्ट करेंगे तो 38/3 सबट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी जो 5 आएगा यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। 5 प्लस का क्यों आया इसमें, क्योंकि क्या होता है, जो नंबर ग्रेटर होता है उसी का साइन आता है। तो 33 एंड 38 में ग्रेटर कौन है,
38 है, और 38 के पहले क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, यानी जो भी आंसर आएगा वो प्लस का आएगा। तो 5 आ गया इसमें, और 5 क्या है, पॉजिटिव है। और एलसीएम जो नीचे लिखा हुआ था 30, तो 30 ही मैंने लिख दिया। अब देखिए 5 से 30 जो था कैंसिल हो जाता है, तो 5 बन जा 5 और 5 सिक जा 30, तो आंसर क्या आएगा, मेन आंसर आएगा आपका 1/6, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसका जी वाला पार्ट दिया गया है 6/9 × 3/4 प्लस ब्रैकेट के अंदर लिखा है 6/9 × 5/7 ब्रैकेट क्लोज, इसका सॉल्यूशन करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए ये इसका सॉल्यूशन दिया जी वाले पार्ट का। देखिए जब भी इनटू में कोई नंबर दिया गया हो, रेशनल नंबर मल्टीप्लाई में दिया गया हो, जैसे 6/9 × 3/4, तो अगर ऊपर नीचे कोई भी नंबर कैंसिल हो रहा है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऊपर वाले 3 से नीचे वाला जो 9 था कैंसिल हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 से 9 मैंने 3 टाइम कैंसिल किया, इसलिए यहाँ 3 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद अगला जो स्टेप आया वो क्या आया, 6/9 था वो 6/3 हो गया, क्योंकि 3 से 9 3 टाइम कैंसिल हो गया, तो 9 की जगह आ गया 3, इसलिए 6/3 मल्टीप्लाई 1/4, क्योंकि 3 से तो 9 कट गया, और 3 से 1 बार में 3 बन जा 3 और 3 थी जा 9, तो 1/4 हो गया। अब देखिए यहाँ भी नीचे वाले 3 से ये 6 फिर से कट रहा है, यानी ये फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से ऊपर वाला 6 हम 2 टाइम्स कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 1, और 2/1 का मीन्स 2 ही होता है। तो यहाँ पे देखिए 2/1 मल्टीप्लाई 1/4 मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें लिखा 2/1 × 1/4। इसके बाद देखिए फिर से ऊपर वाले 2 से नीचे वाला 4 कैंसिल हो रहा था, तो 2 से मैंने 4 2 बार में कैंसिल कर दिया, यानी 2 × 2 = 4, तो यहाँ 2 आ गया। ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर बचा क्या है, सिर्फ 1 बचा है, तो 1/2 इसका मेन क्या आ जाएगा, मेन आंसर इसका 1/2 आ जाएगा, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड था इसका 1/2 आ जाएगा। अब देखते हैं जो राइट में नंबर लिखा हुआ है प्लस के राइट में 6/9 × 5/7, तो देखिए 6/9 दोनों किससे कैंसिल होते हैं, 3 से कैंसिल होते हैं, यानी यहाँ पे देखिए मैंने इनको कैंसिल कर दिया। यहाँ पे 6/9 3 से 2 बार में 6 कैंसिल हो गया, और 3 से 3 बार में 9 कैंसिल हो गया, यानी 3 × 2 = 6 3 × 3 = 9, तो 6/9 की जगह पे क्या आ जाएगा, 6/9 की जगह पे आ जाएगा 2/3, और इनटू में पहले से क्या लिखा हुआ है 5/7। इसके बाद देखिए फिर से अगले स्टेप में मैंने सेम लिखा 2/3 × 5/7। अब देखिए इसमें कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है, 2/3 और 5/7 में कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है, तो अब सामने सामने इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इस नंबर में 5 × 2 = क्या हो जाएगा, या 2 × 5 = क्या हो जाएगा, 10, और 3 × 7 = 21, यानी 10/21, और इस तरफ पहले से क्या निकल के आया था 1/2, और दोनों के मिडिल में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, इसका मीन्स 1/2 + 10/21। अब देखिए इन दोनों को नंबर को क्या करना है, इन दोनों नंबर को आपको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए कैसे करते हैं, ऐड करने के लिए एलसीएम लेके इसका सॉल्यूशन करते हैं। 2 और 21 का यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम निकल के क्या आया, एलसीएम आया 42, तो 42 जो एलसीएम आया मैंने बताया था डिनोमिनेटर में आप उसको चेक करते हैं कितने टाइम्स आता है, तो फर्स्टली आप किस में चेक करेंगे, फर्स्टली आप चेक करेंगे 1/2 में, और डिनोमिनेटर क्या है इसमें 2 है, तो 2 की टेबल में 42 कितने बार में आता है, 21 बार में आता है। अगर आपको चेक करना नहीं आता है तो 2 का आप डिवाइड दे दीजिए 42 में, तो आपको पता चल जाएगा कि 21 बार में ये पूरा कटेगा, इसका मतलब 2 की टेबल में ये 21 बार में आता है 42। तो 21 का मतलब क्या है, ऊपर भी 21 का मल्टीप्लाई और नीचे भी किसका मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी होगा 21 का मल्टीप्लाई,
तो यहाँ पे देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया, 21 बन जा 21 और 21 टू जा 42 यहाँ पे आ गया। इसके बाद अगला जो नंबर लिखा हुआ था 10/21, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 10/21 में जो नीचे 21 लिखा हुआ था इसमें चेक किया कि इसमें 42 कितने टाइम्स आता है। तो 21 की टेबल में डेनोमेटर जो लिखा था 21, इसमें 42 कितने टाइम्स आता है, 42 आता है 2 टाइम्स। इसका मीन्स ये हो जाता कि ऊपर वाले नंबर में और नीचे वाले नंबर में 2 का मल्टीप्लाई होगा। यानी यहाँ पे देखिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया है, इसमें भी 10 2 जा हो गया 20 और 21 2 जा हो गया 42। अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे नंबर निकल्स के क्या आए हैं, 21/42 प्लस 20/42, यानी डिनोमेटर कैसा हो गया, इक्वल हो गया। अब आप इसको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, यानी 21 में आप 20 सीधा प्लस कर दीजिए तो कितना होता है, 41 होता है। और एलसीएम क्या निकल के आया था, 42, यानी 41/42 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ये आपका इसमें आंसर आ गया। इसी में मैंने साइड में मेथड नंबर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेथड सेकंड में। देखिए मेथड सेकंड में क्या किया मैंने, मेथड सेकंड में इनको कैंसिल नहीं किया। यानी आप इसको डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट में ये हो जाता है कि ये मेथड क्या होता है, लॉन्ग मेथड होता है, यानी लेंथी हो जाता है। इसमें आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी और टाइम भी ज़्यादा ही लगेगा। इसमें कैसे करते इसको मैं सीधा कर देता, कैसे, 6 का डायरेक्ट 3 में मल्टीप्लाई कर दिया सामने, तो 6 3 18 और 9 4 36 प्लस था, बीच में प्लस आ गया। सेकंड नंबर था 6/9 × 5/7, तो 6 का 5 में मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया कितना, 30, और 9 का 7 में कर दिया तो हो गया 63, यानी 18/36 प्लस 30/63। अब इसमें आपको किसका एलसीएम लेना पड़ता, आपको लेना पड़ता 36 का एंड 63 का, जो कि लेंथी हो जाता। इसलिए यह मेथड कैसा हो गया, लॉन्ग मेथड हो गया। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको मेथड फर्स्ट से ही करना है। अगर नंबर कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल ही करना है, ताकि जो सॉल्यूशन होगा वो आपका छोटा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद इसका पार्ट दिया गया एच वाले में क्या करना है, डिवाइड करना है 85/17 डिवाइड बाय 64/16। तो देखिए जब भी डिवाइड का साइन दिया गया हो तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए जो डिवाइड का साइन दिया गया है, जहाँ पे डिवाइड का साइन है, जैसे इसमें ये डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाता है, डिवाइड का साइन चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो तो आपको डिवाइड की जगह क्या राइट करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए डिवाइड किस में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई में। तो जो पीछे नंबर लिखा हुआ है राइट हैंड साइड, जो नंबर है आपका, नंबर क्या है इसमें, नंबर लिखा हुआ है 64/16। 64/16 जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा, यानी वो नंबर भी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, जो 16 नीचे तरफ लिखा हुआ है ये आ जाएगा ऊपर, और जो 64 ऊपर लिखा हुआ है वो आ जाएगा नीचे, यानी डाउन में, यानी अप डाउन में इनकी पोजीशन क्या हो जाती है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, 16/64, और पहले क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में, 64/16। चेंज क्यों हुआ, क्योंकि डिवाइड की जगह क्या आ गया, मल्टीप्लाई का साइन आ गया। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई में मैंने बताया था क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में कोई नंबर अगर कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल किया जाता है। तो देखिए 16 और 64, ये देखिए 8 की टेबल से दोनों कैंसिल हो रहे थे। 8 से मैंने पहले 2 बार में 16 को कैंसिल किया, फिर 8 से ही मैंने किसको कैंसिल किया, 8 से ही मैंने 64 को 8 बार में कैंसिल किया। अब 2/8 आ गया था, तो 2/8 भी 2 से 8 कैंसिल हो रहा था, तो 2 बन जा 2 और 2 4 जा 8, एंड में आंसर क्या आया, 1/4, यानी 16/64 की जगह क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो 85/17 × 1/4। अब देखिए इसमें कोई भी नंबर कैंसिल नहीं होगा, तो आप इसका सामने सामने क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 85 का मल्टीप्लाई 1 में होगा और 17 का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा। तो 85 बन जाए क्या हो जाएगा, 85 भी आएगा, 17 4 जाए क्या आ जाएगा, 68 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 85/68। इस तरीके से आप डिवाइड वाला सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर।
प्रूव दैट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होल्ड ट्रू फॉर ब्रैकेट में लिखा है 7/8 प्लस 4/6 ब्रैकेट क्लोज। क्वेश्चन टू में रेशनल नंबर दिया गया है 7/8 प्लस 4/6। इसमें ये बताना है कि इसमें जो एडिशन की कम्यूटेट प्रॉपर्टी है वो क्या इसके लिए ट्रू है। तो पहले देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन नंबर टू यहाँ पे किया हुआ है मैंने। व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? तो फॉर टू रेशनल नंबर द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के लिए क्या होती है? ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, यही होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, ये इसका फॉर्मूला होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। यानी पहले a प्लस बी लिखा हुआ था, फिर देखिए a की जगह पहले आ गया b और b की जगह आ गया a, यानी पोजीशन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। और फिर इनको सॉल्व करने पे इनका आंसर कैसा आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन जो दिया गया था 7/8 प्लस 4/6, इसमें a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू हो जाएगी 7/8। a का मतलब जो नंबर पहले आया वो a का वैल्यू हो जाएगा। बाद में क्या आया? बी अपॉन सिक्स, 4/6। 4/6 किसकी वैल्यू हो जाएगी? b की वैल्यू हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या राइट किया? a इक्वल 7/8, b इक्वल 4/6। अब देखिए पहले क्या लिखा हुआ है प्रॉपर्टी में? a प्लस बी लिखा है। देखिए इक्वल के जो पहली वाली साइड है इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। a प्लस बी LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और b प्लस ए RHS यानी राइट हैंड साइड। तो पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो a प्लस बी है हम पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए मैंने लिखा a प्लस बी इक्वल, a की वैल्यू आ जाएगी a की जगह, a की जगह आप a का वैल्यू पुट करेंगे तो a की जगह आ जाएगा 7/8 प्लस, प्लस में लिखा है b, और b का मीन्स क्या है? b का मीन्स है 4/6। तो b की जगह पुट करेंगे b की वैल्यू 4/6, तो ये हो जाएगा 7/8 प्लस 4/6। अब इनका सॉल्यूशन आपको पता है कैसे करते हैं? एलसीएम लेकर करते हैं। तो 8 और 6 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 24 आएगा एलसीएम, यानी एलसीएम ऑफ 8 एंड 6 इज 24। अब जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में किया, जो एलसीएम आता है उसको डिनोमिनेटर में चेक करते हैं कितने बार में आता है। तो पहला नंबर क्या था? 7/8, इसमें चेक करेंगे 8 की टेबल में 24 कितने बार में आता है? 3 बार में। इसका मींस ऊपर और नीचे किसका मल्टीप्लाई होगा? 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो 7 3 जा क्या हो जाएगा? 7 3 जा हो जाएगा 21 और 8 3 जा हो जाएगा 24। इसके बाद अगला नंबर था 4/6। 4/6 में डिनोमिनेटर क्या दिया गया? डिनोमिनेटर दिया गया 6। 6 की टेबल में 24 कितने बार में? 6 की टेबल में 24 आता है 4 बार में, यानी 6 4 = 24। इसका मीन्स ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 4 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए आप 4 का 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 4 जा होता है 16। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर आ गया 16 और 6 4 जा होता है 24। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो एलसीएम जो डिनोमिनेटर था वो सेम हो गया, यानी ये वाला जो नंबर है 21/24 प्लस 16/24। तो अब देखिए जब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया है तो आप इसको डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। 21 में प्लस कर दीजिए 16, तो कितना आ जाएगा? 37। और नीचे कितना लिखा हुआ था डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर लिखा हुआ था 24, तो आंसर आया 37/24। और एक किस साइड का आंसर आया? ये LHS का आंसर आया, यानी ये आया a प्लस बी का आंसर। अब इक्वल के RHS में क्या लिखा? राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है b प्लस ए, तो अब हम सॉल्व करेंगे b प्लस ए, इसका भी आंसर सेम आना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी क्या होगी? ट्रू होगी। इसमें क्वेश्चन में यही लिखा है ना कि प्रूव करिए आप कि प्रॉपर्टी ट्रू है, यानी प्रॉपर्टी तो ट्रू है लेकिन प्रूव करना है उसको। प्रूव करके हमें बताना कि हाँ प्रॉपर्टी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इस क्वेश्चन के लिए और इस नंबर के लिए प्रूव करने पे सही आती है। तो चलिए इसको अब RHS को आप सॉल्व करते हैं। देखिए RHS में लिखा हुआ था b प्लस ए, तो b प्लस ए का मीन्स क्या है? b की जगह b की वैल्यू आ जाएगी
और एक ही जगह एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, बी इक्वल टू लिखा है 4/6 और ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ए इक्वल टू लिखा है 7/8। तो b की जगह 4/6 आना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने b की जगह लिखा 4/6, मिडिल में प्लस था तो प्लस लगा दिया और a की प्लेस पे क्या लिख दिए 7/8। ये दोनों की मैंने वैल्यू पुट कर दी है। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो ये आपको पता है कि एलसीएम लेके इसका सॉल्यूशन किया जाता है, प्लस का दिया हो या माइनस का दिया हो। जब भी रेशनल नंबर को ऐड करना हो या सबट्रैक्ट करना हो तो वो एलसीएम लेके आप उसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम लिया 6 और 8 का तो 24 आया। अब फिर से क्या चेक करेंगे, जो पहला नंबर है 4/6, इसमें जो डिनोमिनेटर है 6 में चेक करेंगे 24 कितने टाइम्स आता है, तो 4 टाइम्स आता है। इसका मीन्स 4/6 में 4 का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4/6 में 4 और 4 का मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर भी नीचे भी। इसके बाद नेक्स्ट नंबर लिखा हुआ है 7/8, नीचे 8 है डिनोमिनेटर में, तो 8 की टेबल में ये 24 कितने बार में आता है, 8 की टेबल में आता है 3 बार में। इसका मीन्स है 7/8 में ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 3 का मैंने मल्टीप्लाई किया। अब देखिए जब 4 का किया तो 4 जा यहाँ पे आ गया 16 और 6 जा आ गया 24। इसके बाद 7/8 इंटू 3/3, यानी 7 का जब 3 में किया सामने, तो 7 जा यहाँ पे क्या आ गया, 21 आ गया, और 8 जा कितना आ गया, 24 आ गया। इसके बाद देखिए ये एक नया नंबर बन के आ गया, यहाँ पे नया नंबर निकल के क्या आया, 16/24 प्लस 21/24। डिनोमिनेटर कैसा है, इक्वल है, 24 इस तरफ है, 24 अगली तरफ भी है। इसका मीन्स दोनों नंबर को आप डायरेक्ट प्लस कर दीजिए, 16 में 21 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 37/24। और देखिए ये RHS का आंसर है, यानी ये RHS राइट हैंड साइड का आंसर है 37/24। LHS का आंसर क्या आया था, LHS का आंसर आया था 37/24, यानी दोनों आंसर कैसे आए हैं, इक्वल आए हैं। इसका मीन्स क्या है, LHS इक्वल टू RHS, यानी A प्लस बी इक्वल टू B प्लस A, यानी A प्लस बी का आंसर और B प्लस बी का आंसर दोनों कैसे हैं, इक्वल है। इसका मीन्स ये हो जाता है जो प्रॉपर्टी है वो इस वाले क्वेश्चन के लिए ट्रू है। तो मैंने लिखा दस द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद आगे के क्वेश्चंस मैं इसके पार्ट 2 में बताऊंगा। आपको AW में क्या करना है, तो AW में आपको क्वेश्चन फर्स्ट का बी वाला, सी वाला एंड डी वाला सॉल्व करना है। उसके बाद जो मैंने एफ़ वाला नहीं किया इसका, ये एफ़ वाला भी आपको इसका सॉल्यूशन करना है। और सॉल्यूशन करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझे बता सकते हैं।